हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 को लेकर, जो कि परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को करने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे अच्छे सब क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर करने चाहिए। तो चलिए देखते हैं, और मेरे करने से पहले आप वीडियो रोककर जरूर करने का कोशिश कीजिएगा रोज की तरह आज भी। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यदि 5x² - 13xy + 6y² = 0 हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा? तो x कहीं ना कहीं इसको तोड़ना होगा, हम लोग को कहीं ना कहीं इसे तोड़ना होगा। तो कैसे तोड़ सकते हैं? 5x² - 13xy + 6y² = 0। तो अब इसको तोड़ने का कोशिश कीजिए कि जोड़ घटाव करके -13xy टूट जाए। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो वो कैसे हो सकता है, इस बात को समझिए। यहाँ जो दोनों लास्ट का है उसको जैसे का तैसे रहने दीजिए। माइनस, क्या हम इसको 10 - 10x - 3xy - 3xy लिख सकता हूँ क्या? अगर इन दोनों को जोड़ूं तो -13xy हो जाएगा, और लास्ट का जैसे का तैसे है वैसे उतार देता हूं, तो बराबर में 0 है ना। तो अब यहां से आप कॉमन ले सकते हो, इससे क्या कॉमन निकलेगा? तो आपका जवाब होगा कि 5x कॉमन आप ले सकते हो। तो यहां से 5x कॉमन लिया तो बचा क्या? यहां से x बचा माइनस, यहां से 5x निकला तो बचा क्या? 2y, ठीक है, ब्रैकेट बंद। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों से? तो आपका जवाब होगा -3y कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें, तो यहां से ये कॉमन ले सकते हैं। तो -3y कॉमन ले लिया तो बचा क्या? आपका जवाब होगा कि यहां पर x बचा। यहां क्या बचा? -3y को कॉमन लिया तो -2y बच गया, तो इतना हो गया। तो आपका जवाब होगा कि हाँ, इतना हो गया, बराबर में 0। अब कॉमन वाले चीज को 0 के बराबर कीजिए और विदाउट कॉमन वाले चीज को 0 के बराबर कीजिए। जैसे कहने का मतलब कि 5x - 3y, एक तो मैं ले सकता हूँ 5x - 3y = 0, और दूसरा मैं ले सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम सेम है ना, तो किसी एक को लूं तो x - 2y = 0। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अब यहां से इसको देखा जाए तो 5x = 3y, y उठकर इधर चला आया, 0 का कोई मतलब नहीं। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो xy = 3/5, ये ना। तो यहां से मैं इसको देखूं तो x = 2y, और यहां से कॉमन ले लूं, कॉमन कहते हैं कि एक साइड कर दूं, तो ये 2/1 इतना हो जाएगा। तो देखिए, इसका मतलब यहां पर जो ये बराबर है, इसका मतलब ये अनुपात ही होता है। तो कहने का मतलब हम इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x = y = 3/5, और दूसरा हम इधर लिख सकते हैं x = y = 2/1। तो ये दो वैल्यू पॉसिबल है, यहां पर अनुपात होगा। चलिए ऐसे है, चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं 2/1। तो एक वैल्यू ये या तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहां पर आप ऑप्शन को फिट करके देख लेते हैं और यहां से ये वाला आ जाता और मार्केट निकल जाता है, तो गलती होने की संभावना हो सकती है। तो यह वाला भी देखना है जब इस तरह का ऑप्शन हो तो। नेक्स्ट,
तो बिल्कुल बेसिक से करते जाएंगे, और आप भी वीडियो रोककर पहले खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, कदा 25-40 रुपए के लिए एक वस्तु को बेचने में अर्जित लाभ 18-50 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो मान लीजिए क्रय मूल्य कुछ भी हो सकता है, तो मान लीजिए एक्स वाई जो भी मानना है, माना कि क्रय मूल्य एक्स है, ठीक है। तो हालांकि निकालने का तो इसका शॉर्ट कोड भी है कि आप कैसे निकाल सकते हो, हालांकि थोड़ा सा तरीका भी समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में मैं सिंपल सी बात बताऊं तो हमेशा आपका शॉर्टकट काम नहीं आएगा, एग्जाम में आप शॉर्टकट भूल जाओगे, बात समझ रहे हैं। तो थोड़ा बेसिक की भी ज्ञान होनी चाहिए, अगर बेसिक जानकारी है तो शॉर्टकट भी आपका काम आ जाएगा, अगर नहीं है तो शॉर्टकट भी काम नहीं आएगा। तो देखिए इसका तो क्रम, तो कहता है कि 18-25-40 रुपये में बेचने पर लाभ हुआ है, तो आपका लाभ क्या होता है, लाभ बराबर अगर देखा जाए तो लाभ कब होगा, जब आपने ज्यादा में बेचा हो और कम में खरीदा हो, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तब जाकर लाभ होगा, है कि नहीं। तो इस स्थिति में विक्रय मूल्य कितना है, 25-40, और क्रय मूल्य कितना माना, माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आपका लाभ हो गया, ये आपका क्या है, लाभ है। बराबर कह रहा है कि जब 18-50 रुपये में बेचने पर हानि होने वाली हानि के बराबर है, यानी जो ये लाभ है जो 1850 रुपये में बेचेंगे जितनी की हानि होगी उसके ये बराबर है, तो हानि आपकी किस स्थिति में होता है, अगर मैं हानि की बात करूं तो जब आपने ज्यादा में खरीदा हो, यानी ज्यादा में खरीदा हो और कम में बेच रहे हो, तब जाकर आपको हानि होता है कि नहीं। तो इसका मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका कितना है x, विक्रय मूल्य कितना है इस स्थिति में 18-50। तो ये जाकर कह रहा है कि दोनों बराबर है आपस में, तो ये हानि ये लाभ और आपस में दोनों बराबर है। तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिए, जो भी एक्स का वैल्यू निकलेगा वो आपका क्रय मूल्य। तो यहाँ से देखा जाए तो 2x बराबर, इन दोनों को ऐड कीजिए, 0, 5 4 9 और 8 5 13 और 2 1 3 1 4 43 90। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 2 और 1 9 5, तो ये 21 95 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य हमने एक्स माना। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप इसमें शॉर्टकट लगा सकते हैं, जानते हैं क्या, इन दोनों वैल्यू को जोड़िए और 2 से भाग लगा दीजिए, वो आपका शॉर्टकट काम आ जाएगा। लेकिन अगर बेसिक है तो शॉर्टकट अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो बेसिक से कर सकते हो, और बेसिक से भी कोई खास टाइम लगेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 सेकेंड ज़्यादा लगेंगे, है ना। नेक्स्ट, एक घड़ी 20% लाभ पर बेची जाती है, अधिक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपया घटा दिया जाए, दोनों में 100 रुपया घटा दिया जाए तो लाभ जो है 5% अधिक होगा, तो घड़ी का वास्तविक मूल्य क्या होगा, तो घड़ी की वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो करने का तो इसको कई तरीके से आप कर सकते हो, जैसे कि मेरा कहने का मतलब आप वास्तविक मूल्य को 100 मान लीजिए, अगर मैं कहूं तो वास्तविक मूल्य को 100 मान लीजिए कि वास्तविक मूल्य 100 है, माना हुआ है, रियल नहीं है कि अभी वही आंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो कहता है कि 20% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 20% लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब जो विक्रय मूल्य है वह 20% ज्यादा, 100 पर 20% ज्यादा, इसका मतलब 120 क्या है, 120। तो अब कहता है कि आप क्रय मूल्य में भी और विक्रय मूल्य दोनों में 100 घटा दीजिए, तो यहाँ से ऐसे मानकर काम नहीं चलेगा, इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, रुकिएगा थोड़ा। तो मान लीजिए एक्स, तो ये इतना 120x प्रॉफिट, यानी विक्रय मूल्य आपका 120 है,
अब दोनों में आप 100 घटा दीजिए, यानी 100x में भी 100 को घटाइए और इधर 120x में भी 100 को घटाइए। तो जो कह रहा है कि 5% अधिक लाभ हो जाता है तब जाकर जो बेचा जाता है, तो 5% अधिक लाभ होता है। इसका मतलब पहले 20% लाभ हो रहा था, अब 5% अधिक लाभ हो रहा है, इसका मतलब 25% लाभ हो रहा है। तो इस स्थिति में जो ये लाभ इसके बराबर में होगा, इसका 125% के बराबर होगा। कितना? 125% के बराबर। तो परसेंटेज के लिए नीचे में आप 100 का इस्तेमाल कर सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पर 125% कहूँ, क्योंकि देखिए अपने कोई भी वस्तु हमेशा 100% पर खरीदते हो और उसी पर प्रॉफिट वगैरह जो भी होता है निकालते हो, है कि नहीं। तो यहाँ से ये देखा जाए तो इतना है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में। तो यहाँ से देखा जाए तो सॉल्व कीजिएगा तो 500x माइनस 500 बराबर बरचों के 48, इसको तिरकोनी यहाँ से गुना कर दिया तो 480x, इसको सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो, है कि नहीं। तो माइनस 400, तो यहाँ से घटाइएगा तो ये 20x और इधर इसको ले जाइएगा तो ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर जो है आपका 5 निकल जाएगा और हमें चाहिए वास्तविक मूल्य। तो वास्तविक मूल्य हमने कितना माना? 100x माना है। x की वैल्यू 5 निकल गया, तो आप 100x की वैल्यू क्या निकालोगे? 100 × 5 यानी 500। तो ये आपका राइट आंसर 500 हो जाएगा। क्या इसका दूसरा तरीका भी एक्सप्लेन कर दूँ? चलिए मैं इसको दूसरे तरीके से भी कराने का कोशिश करता हूँ, ताकि हो सकता है कि ये जो बड़ा बड़ा डाटा है ये छोटा हो जाए। कैसे? चलिए अब 20% को देखिए, 20% बोला जाए तो मतलब 1/5, 1/5। तो ये जो नीचे वाला वैल्यू है ये आपका सीपी यानी क्रय मूल्य है और ये ऊपर वाला वैल्यू प्रॉफिट है। ऊपर वाला वैल्यू क्या है? प्रॉफिट। तो यहाँ से मैं अगर कहूँ सीपी और एसपी का रेशियो लूँ तो सीपी आपका 5, अगर यहाँ पर एक्स वगैरह भी लगा दो तो चलेगा, कह सकते हो कि 5x है और एसपी एक ज़्यादा यानी 5 पर एक ज़्यादा 6x है, ठीक है इतनी। अब इन दोनों में 100 रुपया घटाना है, 100 रुपया क्या करना है? घटाना है, यानी 5x में भी 100 घटा दीजिए और 6x में भी 100 घटा दीजिए। जो अब जो है, अब जो आप बेच रहे हो जी, ये जो आपको मिल रहा है विक्रय मूल्य, यहाँ पर जो प्रॉफिट वगैरह जो भी मिल रहा है वह आपको 5% अधिक के बराबर है, यानी क्रय मूल्य का 5% एक्स्ट्रा। ये आपका क्या है इस स्थिति में? ये आपका क्रय मूल्य है और इस स्थिति में आपका ये विक्रय मूल्य है। तो ये 5% ज़्यादा है, 20% से 5% ज़्यादा। तो 25, इसका मतलब 25% और 25% कहा जाए तो 1/4, यही ना। तो आपका जवाब होगा कि हाँ, तो यानी 4/1 ज़्यादा, यानी 5/4 से इसको आप गुना कर दीजिए। अब यहाँ से निकालिए जो भी x का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पुट कीजिए आपका आंसर। तो ये एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट, हालांकि है दोनों सेम चीज़, इसमें है कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन कम करना होगा और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा। नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जिससे क्रमशः 115, 149, 183 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में क्रमशः 3, 5, 7 बचता है। देखिए इसको करने का तो आप सब में, जैसे 115 है, 115 में आप 3 को घटा दीजिए जो संख्या मिले, फिर 149 में आप 5 को घटा दीजिए जो शेष बच रहा है, और फिर 183 में आप 7 को घटा दीजिए, ठीक है। जो भी आएगा वैल्यू, फिर उसका एचसीएफ आप निकाल दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना करने कौन जाता है? मैंने तो ये तरीका बताया कि इससे आप ऐसे आंसर ला सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो आंसर आ सकता है बिना मतलब कि ज़्यादा सॉल्यूशन किए हुए भी। कैसे? मैं इस बात को बताता हूँ। ऑप्शन के सहायता लेकर, कहने का मतलब कि अगर मैं 18 से भाग दूँ 115 में
तो क्या तीन शेष बचेगा क्या? तो अगर मैं कहूं कि 115 को मैं 18 से भाग दूं, क्या तीन शेष बचेगा क्या? अगर बच जाएगा तो मैं मान सकता हूं कि ये 18 आंसर हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए 18 के 18 का पहाड़ा पढ़िए, तो 18 95 18 6 78 तो 108 तक तो सही सही जाएगा, क्योंकि 18 7 26 126 हो जाएगा, 108 तक। तो ये 7 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है? 7। लेकिन रियल में बचना चाहिए कितना? 3, जो कि नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर इस 20 से भाग देकर देखिए कि 115 को आप 20 से भाग देकर देखिए, तो 20 25 100, तो 15 शेष बच रहा है। यहाँ कितना बच रहा है? 15। तो हमें चाहिए 3 ही शेष बचाना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं। 14 से भाग देकर देखिए, 14 7 98 14 8 72 से, हाँ ये हो सकता है, 14 8 72 से, यानी 14 से मैं भाग दूं यानी 115 को, तो ये 112 तक तो जाएगा, प्लस का 3 शेष बचेगा, तो ये आंसर हो सकता है, कन्फर्म नहीं। तो क्योंकि थोड़ा सा और जांच करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ये भी देख रहा हूँ कि इससे भी शेष 3 बच रहा है। बात समझ रहे? तो देखते हैं आगे। अब इसको आप भाग देकर देखिए, तो क्या 5 शेष बच रहा है? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है 140 तक तो जा रहा है, तो लेकिन 9 शेष बच रहा है कि नहीं? 14 से भाग देने पर ये तो कट रहा है, लेकिन ये 9 शेष बच रहा है, तो ये आंसर नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, कहने खत्म। तो ये चीज आपको नहीं करना पड़ेगा और SCF नहीं निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं या सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जल्दी आंसर आएगा और एक ये वाली ट्रिक के चक्कर में ना पड़ेंगे सेकेंडों में आंसर लाए, जो प्रायः बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई सब कर रहे हैं कि सेकेंडों में आंसर लाएं। सेकेंडों में नहीं आंसर आता है दोस्त, फेंकने वाली बात है। और जो सेकेंडों में आंसर आता है वो एग्जाम में आप भूल जाओगे, निश्चित है। कि थोड़ा उस पर सोचिए विचारिए, फिर जाकर जो आपकी मतलब कि अगर वो चीज़ आपके समझ में आ गया और आपने खुद से किया तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात समझ रहे? नेक्स्ट, यदि 70 का 40% और 80 के 30% से 1% अधिक है तो x का मान क्या है? तो ठीक है, तो कीजिए कोशिश कीजिए। मैंने तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कोशिश किया होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका क्या आंसर हो सकता है। दोस्त थोड़ी बहुत नॉइस आ सकती है या मेरी वॉइस थोड़ी मोटी लग सकती है, क्योंकि पता नहीं दोस्त और सब कैसे एडिटिंग करते हैं वॉइस को कि उतना क्लियर आता है। मैं एडिटिंग करता हूँ, क्योंकि हर इंसान हर फील्ड में सही नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ी बहुत आती है एडिटिंग वगैरह, तो वॉइस को एडिट कर देता हूँ, लेकिन उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए चाहिए एक अच्छी माइक सेटअप, जो कि मैं जो समझ रहे हैं कि आप मैं कहना क्या चाहूँगा। तो क्योंकि और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपका वेलकम है और सभी के लिए वेलकम है, लेकिन जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये चैनल काम में आ सकता है। अगर मैथ रीजनिंग जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो अगर आपकी मैथ और रीजनिंग बिल्कुल ही वीक है तो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो जाएगा, नहीं तो आप थोड़ा दिन मतलब कि कुछ दिन हमारे साथ व्यतीत करके देखिए, नहीं इम्प्रूव हुआ तब कहिएगा कि हाँ आप गलत कर रहे हो। तो चलिए देखिए, कदा है 70 का 40% और 80 का 30% से 1% अधिक है तो x का वैल्यू क्या है? ठीक है, पहले तो दोनों अलग अलग निकाल लेते हैं। 70 का 40% अगर निकाल आ जाए 40%, तो ये कितना निकलेगा? घुमा फिरा के 28 है कि नहीं? इस परसेंट से 2 0 खत्म, तो ये आपका 28 आ गया। अगर मैं कहूँ 80 का 30%, तो 80 का अगर 30% कहूँ तो 80 का 30% कितना निकलेगा? 8 या 24 है ना।
देखिए परसेंट, इसीलिए मैंने कहा कि डायरेक्ट कटा दिया कि इस परसेंट को उड़ाएंगे तो नीचे में दो जीरो आएगा, और दो जीरो तो कहानी खत्म है कि नहीं। तो कहता है कि एक्स परसेंट अधिक है, अगर देखा जाए कि इससे ये कितना अधिक है, तो आपका जवाब होगा कि चार अधिक है। चार अधिक है किससे? 24 से, अपॉन 24। परसेंटेज के लिए क्या करते हो आप? 100 से गुना करते हो, है कि नहीं। और उसी के लिए कहा जा रहा है कि ये जो वृद्धि है इससे ये ज्यादा जो है एक्स परसेंट के बराबर है। क्या कह रहा है? एक्स परसेंट के बराबर है, जो ये चार अधिक है वह एक्स परसेंट के बराबर है। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये क्या निकल जाएगा? 4×6=24, और यहाँ से कीजिएगा तो 16.666% आ जाएगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 16.67%, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्त, अगर एक बार में नहीं समझ पाते थोड़ा पीछे करके रिमाइंड करके थोड़ी सी अपने दिमाग पर जोर डालिए, जिससे कि आप समझ सको, है कि नहीं। अन्यथा हम कितनों समझाते रह जाएंगे या बताते रह जाएंगे, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो मेरा समझाना बेकार रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो कोशिश तो आपको खुद से भी करना चाहिए, और थोड़ा जो मैं कह रहा हूँ उस बात पर ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं बेहतर फील कीजिएगा। तो देखिए, एक्स की दक्षता क्यू से 25% कम है, तो उनका वेतन किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए? ठीक है, तो देखिए, पी की दक्षता क्यू से 25% कम है, तो 25% की वैल्यू को देखा जाए तो क्या होता है? 1/4। किससे बोल रहा है? से किसके आगे लगा है? क्यू से। इसका मतलब क्यू का ये नीचे वाली वैल्यू जो है क्यू का है, इससे एक कम पी का है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? एक कम पी का है, तो जो ये क्षमता का अनुपात होता है उसी अनुपात में उसे प्रॉफिट भी मिलेगा। प्रॉफिट यानी कहा जाए तो क्षमता का जो भी अनुपात होगा वह प्रॉफिट के अनुपात के इक्वल होगा। इसका मतलब 3:4 के अनुपात में इसे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ दोस्त, कि इसका दो आंसर हो सकता है। कैसे? यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उनका वेतन किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि क्रमशः, या तो P और Q का क्रमशः, ऐसे कोई बात नहीं कहा जा रहा है। अगर ये ऑप्शन नहीं भी रहता तो मैं इसको भी मारता तो ये गलत आंसर नहीं होता, लेकिन इसमें इसको दोनों ऑप्शन नहीं देना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो इसका दोनों आंसर हो सकता है। उस उनका वेतन मतलब या तो यह कह सकते हैं कि क्यू पी का वेतन का अनुपात, या तो पी क्यू का वेतन का अनुपात। क्या मेरी बात से आप सहमत हो? तो मेरी बात को समझिए, तो इसका ये दोनों आंसर हो सकता है। लेकिन अब जो है रेलवे, ये प्रीवियस ईयर का ही पेपर का क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको लिया कि यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। लेकिन जो इसका रेलवे जो है ये मरवाया है, तो लेकिन मेरे उम्मीद से इसका दो आंसर हो सकता है। बात समझ रहे? तो क्योंकि इसने ये जाहिर नहीं किया कि पी क्यू का अनुपात लेना है या क्यू पी का अनुपात लेना है, ये बात नहीं कह रहा है, सिर्फ कह दिया कि उनका वेतन किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए, तो ये तो गलत बात है दोस्त। चलिए नेक्स्ट, कहता है एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि कोई पूर्णांक x था, यह धनात्मक मान लेते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक है, उसका 5 गुना है, इसका 5 गुना उसके वर्ग यानी इसी x के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, के दो गुने से 3 कम है। ये संख्या जो है 5 गुना है, इसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो बस देखिए, इन सब में कुछ है नहीं, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। अगर लैंग्वेज समझ गए तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, अगर नहीं समझे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन का सहायता लेकर आराम से आप बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हो। कैसे? अगर मैं कहूँ कि एक्स की वैल्यू जो वो पूर्णांक मैंने माना एक्स, एक्स की वैल्यू अगर दो पुट करूँ तो ये इधर क्या 10, तो इधर
दो दूनी चार और दो दूनी चार दूनी आठ में तीन जाएगा तो पांच। क्या 10 बराबर 5 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, तो ये दो ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो जो मैं राइट ऑप्शन है उसको मैं फिल कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि आप ऐसे यहाँ पर ऑप्शन का सहायता लेकर जल्दी फाइंड कर सकते हो, इसको कैलकुलेशन करने से बेहतर है कि आप ऑप्शन का यहाँ पर सहायता ले लीजिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि तीन पुट करते हैं, एक्स के जगह पर तीन पुट किया और गुना पाँच, और यहाँ पर तीन पुट किया तो 9 गुना 2 -3। तो क्या दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं कि एल एच बराबर आर एच हो रहे हैं क्या? तो इधर 15, इधर 9 दुनिया 18 -3 घटाओ तो ये भी 15 आ गया, ये भी 15, दोनों इक्वल हैं, तो ये सेटिस्फाई हो गया और ये ऑप्शन राइट। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर ज़्यादा सोल्व ना करते हुए ऑप्शन पर थोड़ा सा नज़र मारनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जैसे आप पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा उसमें जितना टाइम लगे उससे ये कम ही समय में आंसर आ जाएगा। और आपको तो पता होनी चाहिए कि एग्जाम में 90 मिनट आपका कब गुजरेगा, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। और अगर आप बिल्कुल ही मतलब कि बेसिक से करते रह गए, आप थोड़ा सा एडवांस नहीं सोचें, तो पता चलेगा कि 60-65 क्वेश्चन होते होते आपके टाइम खत्म, और उतने में कुछ आने जाने वाला है नहीं दोस्त। तो थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी मैथ और रीजनिंग में, और जीके जीएस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्त मारने में। अगर मैं कहूँ कि 60 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के है, तो आप बाकी बात 40 क्वेश्चन अगर जीके जीएस का है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 से 15 मिनट बहुत है। आप समझ रहे हैं? तो ज़्यादा टाइम आपका मैथ और रीजनिंग में जाने वाला है, और इसको अगर आप फास्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, और अभी आपका एग्जाम भी नज़दीक है, तो मेरे में से ये जो सीरीज चल रहा है ये आज 67वां वीडियो है। इसका मतलब कि मैं अगर कहूँ तो 2 महीने से आपका ये सीरीज चल रहा है। अगर शुरू से आप बने रहते हैं तो अगर मैं कहता हूँ कि एक वीडियो में 20 क्वेश्चन भी है तो ये कितना है? 60, यानी टोटल मैं 70 वीडियो कराने वाला हूँ। इस पर 70 वीडियो आप लोगों तक पहुँचने वाली है एलपी टेक्नीशियन सीरीज का। तो इसमें कितना क्वेश्चन? 6 दूनी 1200 क्वेश्चन। अगर मैं कहूँ कि 70 तो 1400 क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया रहता, और एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई रहती अगर आप शुरू से देखते हैं होते। तो कोई बात नहीं, अभी है समय, और एक्स्ट्रा चीज़ों पर भी अब आपको ध्यान देने चाहिए, जैसे कि करेंट हो गया और स्टेटिक्स सब जो है उन सब पर ध्यान देनी चाहिए। और जिस भी किताब से आप जीके वगैरह पढ़ते हैं तो उस किताब में कहीं ना कहीं आपका जो है एक कॉलम में कुछ मतलब कि क्वेश्चन वगैरह होते हैं कॉलम कॉलम टाइप से, तो उसको आपको कवर करना चाहिए जिससे कि आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कॉलम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बात को अगर आप लुसेंट से पढ़ रहे हैं या कोई और फैट मतलब कि बुक से पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉलम वाली तो चीजें रहती है जो कि आपको कवर करनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो मेरे उम्मीद से आप इतना आप कर सकते हो। तो अब आप जो है ये जितने भी दिन बचे हुए हैं इनमें आप जान जी झोंक सकते हो। अगर आप पीछे इतने दिनों से अगर नॉर्मल भी तैयारी करते आ रहे हैं तो अभी आपको जान जी झोंक देना चाहिए। बात समझ रहे हैं? ताकि आपकी एक अच्छी खासी तैयारी हो सके। तो देखिए, अभीष्ट भिन्न में परिवर्तित ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब 4.12 पर रेखरिंग, यानी 2 पर सिर्फ रेखरिंग है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तो चलिए इसका एक सिंपल वे बताता हूँ कि इसको कैसे आप कर सकते हो। क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 प्लस 1 मिनट 0.12 पर बार? तो आपका जवाब होगा कि हाँ ऐसे तो लिख सकता हूँ, है कि नहीं? 4 प्लस इतना मैं लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकते हैं आप। अब इतना को हल करने के लिए मैं कई बार बताया हूँ कैसे कैसे हल किया जाता है। तो कहने का मतलब पॉइंट के पहले क्या है? नहीं है, 0 है, तो भूल जाइए कि पॉइंट के पहले कुछ है। जो संख्या है उसको उतारिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाइए,
और नीचे में टोटल पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, दो संख्या। कितना पर बार है यानी ये रेकरिंग कितना पर है, एक संख्या पर, तो एक गो नो। और कितना पर रेकरिंग नहीं है, एक गो पर रेकरिंग नहीं है, तो एक जीरो। बस इसको सोल्व कीजिए आपका आंसर। तो यहाँ से किया जाए तो ये 11/90, अगर इसको मैं सोल्व कर दूँ तो ये 4 पूर्णांक 11/90 आ जाएगा, तो जो कि यही राइट आंसर होगा। आप समझ रहे हैं, तो इस तरह से आप इसे फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक बिन शांत दशमलव होगा, इस तरह में या तो शांत दशमलव होगा या अशांत, शांत अशांत में, या शांत आवृत्ति अशांत आवृत्ति, इस तरह में पूछा जाता है। तो इसका अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक पता हो तो कहीं ना कहीं आप इसे बहुत जल्दी और फास्ट बिना सॉल्व किए आंसर ला सकते हो। जैसे कहने का मतलब, अगर भिन्न देखा जाए तो भिन्न में दो चीज होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। तो भिन्न को कटाने पिटाने के बाद, ऐसे मैं कहता हूँ कटाने पिटाने के बाद 15/8 ले लेता हूँ, 15/6 इसको अगर कटा पिटा दिए तो ये क्या आया, 5/2। तो ये कटाने पिटाने के बाद नीचे में अगर हर में आपको विषम संख्या, विषम संख्या कहने का मतलब क्या, सभी विषम नहीं, जैसे कहने का मतलब कि 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 13 आ जाए, उसके बाद 17 आ जाए, इस तरह का नंबर अगर हर में दिखे कटाने पिटाने के बाद हर में दिखे तो आप उसको अशांत मानिएगा। क्या मानिएगा, अशांत, अशांत, जो कि आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये चीज़ आपको पता है तो। तो इसका मतलब 3 नीचे में ये अशांत होगा, 7 नीचे में ये अशांत होगा, 11 नीचे में ये अशांत होगा। तो इसमें नीचे में सम संख्या है, और जैसे कहने का मतलब नीचे में 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 6 में तो 2-3 दोनों हो जाएंगे ना, जैसे 8 रहे। तो इस तरह का जब संख्या हो कटाने पिटाने के बाद नीचे में, तो वह शांत हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या मतलब कि पॉइंट के बाद कुछ संख्या तक कुछ नंबर आगे जाते जाते, जैसे कहने का मतलब पॉइंट के बाद 3-4 बस कट गया, जैसे मैंने भाग दे दिया 5/4 से, तो इसका कहने का मतलब 1.25 आ गया, इतना आ गया। तो ये 2.5 के बाद एकदम स्थिर हो गया, अब ये आगे नहीं जा सकता है, तो हम कह सकते हैं इसको शांत दशमलव है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आज मैंने थोड़ा कम क्वेश्चंस को लिया है दोस्त, क्योंकि अभी नवरात्रि का समय चल रहा है तो बहुत सारे घर में काम वगैरह रहता है, जिससे कि मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। हालांकि और मेरी पिछली वीडियो देखिएगा तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन मैंने लिया है, हालांकि इसमें थोड़ा सा 10-12 क्वेश्चन कम रहेंगे। तो ये बस मैं ये जो है दुर्गा पूजा तक इस तरह मैं करूँगा कि थोड़ा कम क्वेश्चन ले लूँगा, जिससे कि आपको घबराना नहीं है। अगर आप इसको इस वीडियो को देखें तो, अगर जिस वीडियो को आप नहीं देखें इस सीरीज में तो उसको जाकर आप देखिए, काम आएगा। और एएलपी टेक्नीशियंस का तो मैंने प्रीवियस ईयर का टोटल पेपर कराया है, टोटल जो 29 शिफ्ट में हुआ था, 29 शिफ्ट करवाया है, मैथ रीजनिंग और साइंस के, मैथ रीजनिंग और साइंस के, जिसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो डायरेक्ट आप जाकर प्लेलिस्ट से कर सकते हो। तो चलिए देखिए क्या है, धारा के प्रतिकूल दिशा में चलने वाली एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं, जबकि धारा के अनुकूल दिशा में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 4 घंटे लगते हैं। स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्या होगा? सिंपल सा, अगर आपको चाल समय दूरी से रिलेटेड एक फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, और थोड़ी सी आपको सापेक्ष चाल की ध्यान यानी ज्ञान वगैरह होनी चाहिए। तो कहने का मतलब कि चाल बराबर तो आप जानते, दूरी बराबर, चलिए चाल बराबर में एक दूरी बराबर कहते हैं, हालांकि सब एक ही फॉर्मूला रहेगा। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय, है ना, तो ये चीज होगा। तो अब हम कहते हैं कि दूरी बराबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसने कहा
प्रतिकूल दिशा में कुछ दूरी एक दूरी तय किया, जबकि धारा के अनुकूल वापस आया, यानी इसका मतलब दूरी उसने सेम तय किया जाते वक्त भी। जैसे कहने का मतलब कि एक नदी वगैरह जो भी है इसमें इधर से गया और फिर इधर से गया फिर इधर से लौट आया, तो उसकी यानी गति और धारा की गति का, नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इस तरह से हम लोग कैसे कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो कहता है धारा के प्रतिकूल दिशा में चलने वाली एक नाव, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि धारा, अच्छा नाव की चाल पहले मानते हैं जिससे कि आपको आसान रहेगा समझने में। नाव की चाल, नाव की चाल x किलोमीटर है, x किलोमीटर पर घंटा, और धारा की चाल y, ठीक है। तो इसने कहा कि प्रतिकूल यानी एक नदी में नाव इधर से जा रही है और धारा इधर से जा रही है, तो इस स्थिति में अगर कहा जाए तो चाल क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि चाल घटेगा। इस स्थिति में धारा के विपरीत अगर नाव हो तो चाल घटेगा। तो ये अगर देखा जाए तो चाल क्या होगा रिलेटिव स्पीड में प्रतिकूल दिशा में, तो इसका मतलब प्रतिकूल दिशा में कहा जाए तो चाल घटेगा, यानी नाव के चाल में एक ये धारा की चाल को घटाना होगा x माइनस y। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो समय कितना ले रहा है, 8 घंटा 48 मिनट। तो या तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 8 घंटा 48 मिनट को, ये तो घंटा में है लेकिन ये 48 मिनट में जो है इसको घंटा में आप चेंज कर दीजिए 60 से भाग लगा कर, तो ये घंटा में चेंज हो जाएगा। तो इसको घुमा फिरा के कटा पिटा के देखा जाए तो 12 से 4 बार 12 से 5 बार, तो 8 × 5 = 40, सर 44/5 आ गया। तो समय कितना है 44/5, तो ये जाकर दूरी हो गया, ये जाकर दूरी हो गया। क्या ये इतना हम दूरी बराबर कह सकते हैं क्या, तो आपका जवाब होगा कि हाँ कह सकते हैं। तो यही दूरी को अब धारा के अनुकूल जा रहा है, अनुकूल कहने का मतलब कि धारा इधर, धारा भी इधर जा रहा है और नाव भी इधर जा रहा है, इसका मतलब धारा की चाल यानी नाव की चाल बढ़ जाएगी, यानी जो वॉट की यानी रिलेटिव स्पीड जो होगी सापेक्ष चाल वह बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर चाल जुट जाएगा, 1 मिनट, तो चाल क्या होगा जुट जाएगा एक्स प्लस वाई, तो ये चाल हुआ। और इस स्थिति में समय जो है 4 घंटे लगते हैं, आपस आने में 4 घंटे लगते हैं, तो गुना 4, तो ये दोनों, ये भी दूरी और दोनों आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो अब इसको सोल्व कीजिए, यहाँ से एक्स वाई का अनुपात आपका निकल जाएगा एक्स वाई, ये 44/5 है, ठीक है 44/5। तो ये, तो चलिए सोल्व करते हैं, तो यहाँ से देखा जाए तो ये 4 से 11 बार में कट सकता है, तो ये 11x - 11y = 5 से इधर गुना कर दीजिए 3×5x + 5y। दोस्त ये सब आप समझ सकते हो कि मैंने ये सब कैसे किया। इतना सा भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अभी भी आप में फॉल्ट है, तो थोड़ा सा उस फॉल्ट को दूर कीजिए, कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, दूर हो जाएगा, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बात समझ रहे। क्योंकि मैं भी शुरुआती दौर में कुछ कहने का मतलब कि सब कुछ सीख कर ही नहीं आया था, मैंने भी सिखाया है, मैंने भी प्रैक्टिस किया है, तो ये प्रैक्टिस की खेल है जिसकी वजह से आप फास्ट कर सकते हो। तो यहाँ से देखा जाए तो ये क्या निकल कर आएंगे, एक्स वाले को एक साइड लेते आइए तो 6x और इधर 16 हुआ है, तो यहाँ से x/y = क्या आ जाएगा, तो यहाँ से कटा भी सकते हो 2 से ये 3 बार में ये और 2 से ये 8 बार में, तो कहने का मतलब 8/3। तो आगे हमसे यही तो पूछा जा रहा है, अगर एक्स अनुपात वाई पूछा जा रहा है तो इसका मतलब 8 अनुपात इसको 3 में लिख सकता हूँ, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे हमने धारा की चाल, नाव की चाल को एक्स माना है और नाव की गति एक्स और धारा की गति को वाई माना है, और इसी का अनुपात पूछा है तो 8:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है,
तो देखिए इसमें क्या है और क्या कह रहा है, एक बार मैं वॉइस चेक कर लेता हूँ। आवाज आ रहा है कि नहीं? आ रही है। ठीक, दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो उनकी लंबाई क्रमशः 1.1 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर है। तो धीमी गति वाली ट्रेन को तेज गति वाली ट्रेन को पार करने में समय कितना लगेगा? तो सिंपल सा जवाब है कि समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल, यही ना, दूरी बटे चाल। तो हमें दूरी चाहिए और चाल चाहिए समय निकालने के लिए, है ना। तो आप देखिए कैसे, तो कहता है एक विपरीत दिशा, मानी एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से जा रही है। तो यहां पर जब आमने सामने वाली बात होती है तो आपको ध्यान में रखना है कि सापेक्ष चाल यूज होगा। तो अगर मैं कहूं कि चाल क्या है, तो एक है 60 किलोमीटर और दूसरी है 90 किलोमीटर, तो यहां से देखा जाए तो 150 किलोमीटर पर घंटा, है ना। देखिए दोस्त, यूनिट यूनिट पे उतना ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में ध्यान दे दीजिएगा कि हाँ ये चीज है। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ पर क्या है, दूरी दूरी ज्ञात करनी है ना, दूरी। तो यहाँ पर 1.1, हाँ एक बात यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है कि पूछा किस में जा रहा है, सेकेंड में। इसका मतलब इस चाल को जो है सेकेंड में चेंज कर, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। और इस दूरी को भी जो है, पहले अगर मैं दूरी को देख लूँ, ध्यान से समझिएगा, दूरी को देख लो तो ये कितना है 1.1 किलोमीटर और ये कितना है 0.9 किलोमीटर। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 2 किलोमीटर आ जाएगा, 2 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए सेकेंड में आंसर, तो ये घंटा में है, ये किलोमीटर में। तो इसको हमको कहीं ना कहीं इस चाल को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, है ना। तो 150 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिएगा तो क्या करना होगा, 5/18 से गुना करनी होगी, है कि नहीं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही करना पड़ेगा। और इसको मीटर में बदलना होगा तो आप 1000 से गुना लग कीजिएगा, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर को 1000 से गुना कीजिएगा तो 2000 मीटर आ गया। तो ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर में, तो अब सब कुछ चेंज हो गया, तो समय भी अब सेकेंड में निकल जाएगा। तो हमने क्या कहा कि समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है आपका पास, 2000, चाल कितनी है 150 × 5, और ये नीचे में 18 आएगा, गुना में नीचे में 18 आएगा, तो इस 18 को ऊपर लेते जाइए, तो घुमा फिरा के ये आ गया समय बराबर दूरी बटे चाल। और इसको कटाइए पिटाइए, देखिए आंसर आपका, तो 1010 खत्म। और ये 5 से 3 बार, यानी 3 से 5 बार में, और 3 से ये 6 बार में, और 25 25 25 गुना, यानी 25 से आप 200 को भाग दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में। तो घुमा फिरा के ये जो समय आ गया 48 सेकेंड। तो इस बात को उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। तो बस इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि आखिर कहा क्या रहा है। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ये दो चाल देखकर कहीं ना कहीं हड़बड़ा जाते हैं, सोचने लगते हैं क्या करें। तो जब दो चाल की बात हो ना, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि सापेक्ष चाल तो नहीं लग रहा है, बात समझ रहे हैं। तो ध्यान थोड़ा सा रखना है जो कि कहीं ना कहीं काम आएगा। नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मकसद ये है, इस क्वेश्चन को कर तो सभी सकते हैं, अधिकतर लोग कर लेंगे, लेकिन सभी लोग जल्दी नहीं कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं, सभी लोग फास्ट नहीं कर सकते हैं, ये कहा जाए सकता है कि, क्योंकि वो हो सकता है पूरा बेसिक तरीका लगाए। लेकिन मैं कहूँगा कि इसमें देखिए आपका सोचने मात्र पर आंसर आ सकता है, अगर आप सोच सकते हो तो कैसे। तो इसने कहा क्या, सीमा की वर्तमान आयु क्या होगी, और यहाँ पर इसका जो है वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, मेरी बात को समझ रहे हैं। तो इसका मतलब सुंदर और सीमा है, सीमा बाद में आया, तो ये 4 अनुपात में जो है वह सीमा का आयु है। तो जो भी ऑप्शन होगा वह 4 से कटता होगा,
क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो क्या 27 4 से कटेंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्या ये 25 4 से कटेंगे? नहीं। ये दोनों कट सकते हैं, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर दो ऑप्शन घुसा दिया है, तो उस चीज़ को भी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आपने कहा कि इस चार का मल्टीपल देख लिया जाए और आंसर कर दिया जाए, तो यहाँ पर तो दो ऑप्शन है, तो थोड़ा सा रुकिए। कहता है 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। यानी 3 साल कहने का मतलब क्या? ये वर्तमान आयु है, ये जो दिया गया है वो वर्तमान आयु, उसमें 3 साल अगर मैं ऐड कर दूं, 3 साल मैं अगर ऐड कर दूं, तो ये कितना बना? 43। और ये कितना बना? 27। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अब क्या 3 साल बाद जो सीमा का अनुपात है वो कितना है? 9। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होना चाहिए वो 9 से कटना चाहिए इन दोनों में से। तो आपका जवाब होगा हाँ, तो ये तो नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, और ये हमारा राइट आंसर। हालांकि अगर आप बेसिक से करना चाहते तो आप एक्स वाई मान कर कर सकते हैं, एक्स मान कर कि एक का आयु है 5x, सुंदर का आयु है 5x और इसका है 4x, और दोनों में मैंने 3 ऐड किया तो जाकर प्राप्त हुआ 11/9। यहाँ से सोल्व कीजिएगा, x निकलेगा, और सीमा के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पर, यानी 4x में x का वैल्यू पुट कीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन इस तरह के क्वेश्चन मतलब कि बहुत कम समय में किया जा सकता है, बात समझ रहे हैं? तो आपकी समय की बचत होगी। नेक्स्ट चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, रीजनिंग का प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, कहीं ना कहीं एक आध सवाल तो घुसा था, रेलवे का आप चाहे किसी भी एग्जाम ले लो, कहीं ना कहीं एक आध सवाल इस टाइप के घुसा ही देता है, और इस तरह के प्रश्न में रहता कुछ नहीं है, सिंपल सी बात कहूँ तो रहता कुछ नहीं है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला प्रश्न है लेकिन रहता कुछ नहीं है। तो देखिए कैसे, इसमें जो भी है उसको बाद में देखा जाए, लेकिन पूछा किसके बारे में? समर के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि समर कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, यहाँ यहाँ दिख रहा है, समर कहाँ है? यहाँ पर है। और किस वाक्य वाला में? यानी इसका ये जो किसका अर्थ है, इन इसका अर्थ है, इधर वाला जो ये वाली लाइन है ये इसका अर्थ है, इसका मतलब समर यहाँ पर और कहीं दिख रहा है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो जो भी ऑप्शन होगा इसका आंसर इन्हीं तीन में से एक होगा, इन्हीं तीन में से एक होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा दोस्त, काम आएगा, बात समझिएगा थोड़ा सा। तो कहने का मतलब जो भी आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर समर का कोड पूछ रहा है कि क्या होगा, तो यह समर के लिए ये वाला, इसके लिए अर्थ है ये वाला, है ना? तो इसका मतलब इन्हीं तीन में से कोई एक आंसर होगा। तो यहाँ पर ढूंढते हैं कि इसमें हाइटो है, GNRI है, यानी ये तो जो ऑप्शन जो इन तीनों में नहीं है तो वो आंसर तो हरगिज नहीं होगा, क्योंकि ये तो है, ये है, ये है, ये नहीं है, तो ये कभी आंसर नहीं हो सकता है। मेरी बात को समझिएगा, ये आंसर नहीं हो सकता है, तो फिर और क्या आंसर हो सकता है? तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए अब बारी बारी चेक कर लेते हैं। अब ढूंढना है कि इन तीनों ऑप्शन को हटाना है किसी तरह से, यानी इनमें से दो ऑप्शन को हटाना है किसी तरह से, तो ठीक है, तो अलग चीज ढूंढने का कोशिश कीजिए। कि इसको मैं अलग से अगर थोड़ा सा लिख देता तो अच्छा रहता, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लिखा, चलिए मैं यहाँ पर ही समझाता हूँ। इसके ये वाले के लिए कोट क्या है? ये है यहाँ पर, ये तो इसमें कोई चीज दिख रहा है क्या? मॉडर्न गेम्स हिस्ट्री, और इसको इतना चीज लिखा है, कहीं क्वेश्चन मिस्टेक है मेरे मिस से। 1 मिनट में थोड़ा सा क्वेश्चन को करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि इधर 3 ही अक्षर है और इधर 4 है, तो इस ये तो गड़बड़ है ना। ESMSDR और हाइटो, ये CHSL नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है, ठीक। तो अब जाकर क्वेश्चन मेरे में से ठीक ठाक है। तो चलिए अब यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहीं पर दो चीज सेम टू सेम दिख रहा है क्या? दो अक्षर सेम टू सेम कहीं दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा होगा तो काम बनेगा। यहाँ पर ओलंपिक नजर आ रहा है और यहाँ पर भी ओलंपिक नजर आ रहा है, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं?
इस वाले के लिए कूट ये अर्थ ये है, इसका अर्थ ये वाला है और इसका वाला का ये है, का अर्थ ये है। तो ओलंपिक यहाँ भी, ओलंपिक यहाँ भी, तो जो चीज इसमें होगा वही चीज इसमें होगा, इन चार में से कॉमन होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे ओलंपिक इसमें भी है, ओलंपिक इसमें भी है, इसका मतलब जो चीज इसमें होगा वही चीज उसमें, इन चार में से कहीं ना कहीं होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो देखिए हाइड्रोजीएनआर ईएमएफ, तो ढूंढिए क्या क्या इसमें है से हो सकता है। तो जी एन आर यहाँ भी है और जी एन आर यहाँ भी है, इसका मतलब ओलंपिक का इसका ये जी एन आर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। अब बचा दो गो, अब बचा ये वाला और ये वाला, तो ऑप्शन मैंने हटा दिया। अब तो और किसी कॉमन चीज को ढूंढते हैं, अब इसी में देखते हैं हाइटो ई एस एम। अच्छा इसी से था आपका समर, किसमें था? इसमें था, तो इसमें से हाइटो और ईएमएफ नजर आ रहा है, हाइटो और ईएमएफ, और यहाँ भी हाइटो और ईएमएफ, तो ठीक है हाइटो और ईएमएफ कहीं और है क्या? हाइटो यहाँ पर नजर आया, यहाँ पर नजर आया हाइटो, और समर तो एक ही जगह है। समर तो, मेरी बात को गौर से थोड़ा समझिएगा, समर तो यहाँ पर एक ही जगह है और हमें हाइटो दो जगह नजर आ गया, हाइटो यहाँ नजर आ गया और एक जगह भी मैंने देखा, किधर किधर किधर, यहाँ ये हाइटो है, दो जगह नजर हमें हाइटो आ गया, तो हमें ये एच वाई टी ओ जो है ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि समर इस पूरे क्वेश्चन में एक ही जगह पर है, तो इसका मतलब हाइटो दो जगह नजर आया, तो हाइटो किसी ना किसी चीज का मान होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसका मतलब तीन ऑप्शन खत्म, तो बचा हुआ एक एकदम परफेक्ट आंसर होगा, बिना इसको उतारे आप कर सकते हो, या तो फिर अगर इतना में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप बेसिक से ऐसे उतार सकते हो, जैसे कहने का मतलब हो सकता है उसमें टाइम लगे, जी एन आर टैग जोन क्यू एम पी, इसके बराबर में ये जो भी है ऐसे इतना उतारना है इधर, फिर इसको उतारिए, फिर इसका इधर, इसका ये वाला इधर उतारिए, फिर वहाँ से मिला जुला कर कर सकते हो आप। तो उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा यहाँ पर, हालांकि एग्जाम में तो आपको उतारना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी कीजिए, बिना उतारने, क्योंकि आप वहाँ पर इस तरह से, जिस तरह मैं लिख पा रहा हूँ उस तरह से आप नहीं लिख पाओगे, आप समझ रहे, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा उतारना ही पड़ेगा, तो फास्ट रखिएगा अपने हाथ को। नेक्स्ट चलिए कथन निष्कर्ष वाला, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने पहले देखा होगा कि ऊपर में कुछ लिखा रहता था, ऊपर में आपका कुछ लिखा हुआ रहता था कि आपके पास दिया गया दो कथन है, उसके अनुसार दो निष्कर्ष दिए गए हैं, बताएं इनमें से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी ऊपर में लिखा रहता है उसको मत पढ़िएगा, क्योंकि वो आपका टाइम खराब करेगा, और आप डायरेक्ट कथन और निष्कर्ष पर काम कीजिए, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। जैसे कुछ कागज कलम है, तो इसका मैं डायग्राम अगर बनाऊं, कुछ कागज का कुछ हिस्सा कलम, अच्छा कलम कागज का के मैंने लिखा कलम का, चलिए मैं पेन लिख लेता हूं कि कागज का कुछ हिस्सा कलम है यानी पेन है, और सभी कलम पेंसिल है यानी सभी पेन पेंसिल है, जितने भी ये पेन है, ये जितने भी पेन है वह सभी पेंसिल के अंदर आता है, चलिए मैं इसको पूरा लिख दिया, इसको पेन, चलिए तो ये पेंसिल है, तो ये डायग्राम दोनों कथन से मिलकर बन गया। अब निष्कर्ष पर देखते हैं, सभी पेंसिल कलम है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो पेंसिल का डायग्राम है ये कलम के अंदर कहियो घुस सकता है क्या, कहियो हो सकता है क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो बात थी कुछ वाली बात थी, तो कभी नहीं घुसा सकते, नहीं घुसा सकते तो ये आंसर नहीं हो सकता है। कुछ कागज पेंसिल है, हाँ कागज का कुछ हिस्सा ये पेंसिल वाला कवर कर रहा है, ब्लू वाला लाइन कवर कर रहा है क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, तो ये बात सही है, तो सिर्फ अनुसरण दो करेंगे यानी केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करेंगे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न में देखिए दोस्त, थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिएगा, अंदाजी करने का कोशिश कीजिएगा, हो सकता है गलती हो जाए, बात समझ रहे हैं?
तो बेहतर है कि थोड़ा सा डायग्राम पर काम कर लीजिए, आंसर परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, चलिए इसमें कहा गया कितने त्रिभुज है, काउंट कीजिए। तो अगर इसका थोड़ा सा रूल वगैरह पता हो ट्रायंगल काउंट करने का, तो आप इसे जल्दी फाइंड कर सकते हो। कैसे? एक तो ये वाला रूल जो इस तरह वाले क्वेश्चन में रहता है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो इसमें आप कैसे गिनते हो, 1, 2, 3, जितने भी नंबर दिख रहा है सभी को ऐड कर देते हो, इसका मतलब इसमें 6 त्रिभुज है। तो सेम यहाँ पर ये भी दिख रहा है 1, 2, इसका मतलब यहाँ पर 3 त्रिभुज है। सेम यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा है 1, 2, इसका मतलब यहाँ पर भी 3 त्रिभुज है। और एक रेक्टेंगल में त्रिभुज अगर काउंट करनी हो, अगर कहूँ कि कुछ इस प्रकार से रेक्टेंगल है, इसमें अगर त्रिभुज काउंट करना रहे, तो इसमें आप क्या करते हो कि इसमें नंबर बैठाइए 1, 2, 3, 4, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका डबल कर दीजिए। तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर 4 आया, इसका डबल 8, यानी इसमें 8 गो है। तो उसी तरह यहाँ पर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, इसका मतलब इसमें 8 गो है। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, इसमें भी क्या गो है, 8 गो है। तो ये तो बाहरी बारी मतलब मोटा मोटी ट्रेंगल बन गया। अभी भी कुछ ट्रेंगल इसमें बचा हुआ है, और वो कौन सा ट्रेंगल है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि वो कौन सा बचा हुआ होगा। तो यहाँ से अगर मैं लूँ एक त्रिभुज, ये ये ये, एक ऐसे और एक इधर भी सेम टू सेम, तो दो त्रिभुज ये बचा, यानी दोगो और ये। तो इधर इधर जो मिला है उसको पहले लिख लेते हैं, 8 गो यहाँ, 3 गो इधर, 3 गो इधर, ये तो प्रॉपर जो मोटा मोटी दिख गया वो। लेकिन यहाँ पर अगर दो ऐसे पूरा लिए हैं, तो यहाँ पर दो त्रिभुज हमें नजर आया, और कहीं त्रिभुज नजर आ रहा है क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ नजर आ रहा है, ध्यान से अगर गौर से देखा जाए तो देखिए कहाँ पर। तो सेम टाइप से इधर भी, यहां से अगर मैं कवर करूं तो एक ये किए, दो गो इधर हो भी, दो गो इधर भी, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये इतना त्रिभुज नजर आ गया। तो आपका जवाब होगा कि हाँ इतना त्रिभुज तो नजर आ गया। तो यहां पर अब काउंट किया जाए, 8, 8, 16, 3, 19, 3, 22, 4, 26, क्या 26 ऑप्शन में भी नहीं है? तो अभी भी बचा हुआ है 1-2 त्रिभुज। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कहाँ बचा हुआ है। तो अगर गौर से देखा जाए तो ये वाला जो, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, ये यहाँ से, एक त्रिभुज ये, क्या आपको नजर आ रही है? तो आपका जवाब होगा कि हाँ नजर आ रही है। तो एक त्रिभुज और मिला, और फिर सेम टाइप से यहाँ से देखा जाए, एक ये, एक ये, एक ये, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हो? तो एक यहाँ भी नजर आया। तो टोटल यहाँ से देखा जाए तो 28 त्रिभुज, तो इसमें 28 है। और बाकी बात कहीं अगर नजर आ रहा होगा तो बताइएगा। तो मेरे उम्मीद से अब कहीं बचा हुआ त्रिभुज नहीं है। तो टोटल ट्रेंगल इसमें काउंट हो गया 28 को, तो ये 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं इस तरह के एक आध क्वेश्चन तो निश्चित ही पूछता है, ज़्यादा ना हो। मेरे उम्मीद से किसी किसी एग्जाम में मैंने देखा है, यानी किसी किसी शिफ्ट में मैंने देखा है कि दो, जैसे NTPC ग्रुप डी का एक शिफ्ट में दो या तीन क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अधिकतर मैंने शिफ्ट में देखा है कि 1 से 2 क्वेश्चन बहुत हो जाता है इस टाइप का, लेकिन पूछता निश्चित है। तो इस टाइप से आप प्रैक्टिस कर लिया कीजिए। हालांकि NTPC में एक शिफ्ट में 4-4, 5-5 गो इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, जो ये पिछली बार NTPC का हुआ था, उसमें एक शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का पूछा है। तो सोचिए क्या हाल हुआ होगा स्टूडेंट का, क्योंकि ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो होता है टाइम टेकिंग वाला होता है। और मैं कहता हूँ कि दोस्त, जब इस सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए तो आप पहले उसको बनाने का कोशिश मत कीजिए, थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़िए। अगर टाइम आपके पास बचता है, ज़्यादा टाइम है, तो घूम कर आइए, यानी एक बार मार के निकलते जाइए। मेरा देखिए, आपका एग्जाम का जो एग्जाम देने का जो शैली होनी चाहिए,
जो आप जब एग्जाम रूम में आप बैठे हो, तो आपको पहले जितना भी इजी क्वेश्चन है उसको एक बार में करना है। बात समझ रहे हैं? जितना भी इजी क्वेश्चन है जो कि एक बार में बन सकता है उसको एक बार में बनाकर निकल जाना है, और जो थोड़ा लगे कि ये टाइम लेगा ये क्वेश्चन, उसको आप स्किप करके यानी मार्क करके निकल सकते हैं। मार्क करने का ऑप्शन रहता है, मार्क करके आप निकल जाइए। उसके बाद जो लास्ट में फिर क्या करना क्या है, ऐसे नहीं कि उसको छोड़ना नहीं है, लास्ट में फिर से जो जो मार्क करके रखे हैं उस पर जाइए, उसको क्लिक कीजिए, उस पर उसको फिर बनाइए। तो मेरे उम्मीद से वो बेटर रहेगा, ना कि आप एक सुर से करते जा रहे हैं और आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया और उसमें आप फंस गए। तो क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन अगर एक बार में बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका दोबारा फिर से उतने टाइम खींच लेगा। बात समझ रहे हैं? और लास्ट में पता चलेगा कि अरे टाइम तो 10 मिनट निकल चुका है और अब बचा हुआ 10 मिनट, और आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन नजर आने लगेंगे जो कि कहीं ना कहीं आप गड़बड़ा जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो बनने वाला भी क्वेश्चन रहेगा वो भी नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि दोस्त इन सबको भी मैंने फेस किया है। हम क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी कई एग्जाम निकाला हुआ है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, CBT 1, CBT 2, कई एग्जाम मैंने निकाला है। और यहाँ तक कि दोस्त मैंने जितने भी, कहने का मतलब कि मैं ITI भी किया हुआ हूँ और वो भी सरकारी से, वो भी एग्जाम निकाल कर, बिहार में एंट्रेंस एग्जाम देकर आप सरकारी ITI में एडमिशन ले सकते हो। ये चीज बिहार में होता है, पता नहीं और राज्य में होता है कि नहीं होता है, लेकिन बिहार में ये चीज होता है। तो मैंने एग्जाम निकाल कर ही ITI किया है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम का हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बात समझ रहे हैं? तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज के केंद्र के सम्मुख बैठा है। तो हमें पता करने की इसमें टोटल कितने व्यक्ति है, तो H तक गया है, तो H मतलब 8 व्यक्ति, यानी H मतलब क्या होता है 8, H का अगर प्लस वैल्यू देखा जाए तो 8 होता है, और यहाँ पर शुरू से ही दिया, इसका मतलब 8 आदमी बैठा है। तो 8 आदमी का डायरेक्ट मैं जगह बनाऊंगा, वृत्ताकार में बोल रहा है तो मैं ऐसे बनाऊंगा, अगर मैं इसको घेर दूं तो ये वृत्त ही बन जाएगा, तो मैं उस तरह से घेरूंगा नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं दो इस तरह से बनाऊंगा, क्योंकि इसमें आप गिनिएगा तो 8 ही बैठेगा। बात समझ रहे हैं? तो अब चलिए पढ़ते जाते हैं, आगे करते जाते हैं जो कि काम आएगा। कहता है दो ही, कोई भी दो पुरुष या दो महिला एक दूसरे के निकट पड़ोसी नहीं है, नहीं है तो नहीं है, AH की पत्नी है, AH की पत्नी है और एच के निकटतम बाई ओर बैठी है, एच के निकटतम बाई ओर बैठी है। तो एच को हम यहाँ बैठाते हैं और इसके निकटतम बाई ओर ए बैठी है। अगर बायां की बात करा तो किया जाए तो इधर जाना है, और दायां की बात करें तो इधर जाना है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में मेरे उम्मीद से लगभग 80% लोग गलती कर सकते हैं, नहीं तो आप बनाइए और आपका आंसर गलत आएगा निश्चित, अगर आप सही से ध्यान से नहीं बनाइएगा तो। चलिए ए को यहाँ बैठाना है और कह रहा है कि एच की पत्नी, इसका मतलब एच दुल्हा है और ए कन्याएं है, तो कन्याएं दुल्हा को इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, एच प्लस ए माइनस। ठीक है, आगे देखा जाए आगे क्या कह रहा है। तो मैं दो डायग्राम लेकर चल रहा हूँ जिससे कि जल्दी आसानी से बनेगा, एच और ये दोनों मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, आगे देखा जाए तो AE के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, AE के यहाँ पर क्या है, E है, अपने समझिएगा, E है, E के बाईं ओर A बैठा है, यानी बायां किधर, इधर जाने का मतलब बायां है, तो E को यहाँ बैठना पड़ेगा, तभी तो ये तीसरा होगा। E के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन, A, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब ई को यहाँ बैठना पड़ेगा, पुरुष है कि महिला है पता नहीं, लेकिन यहाँ बैठना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, एफ डी के बाईं ओर दाईं ओर दूसरे स्थान पर, अभी डी को नहीं बैठा सकते। हाँ, इस तरह से क्वेश्चन में आप ये चीज कर सकते हो, जैसे कि ये यहाँ पर 3 व्यक्ति बैठ गया है ना, तो इन तीनों से रिलेटेड कोई ना कोई वाक्य को ढूंढने का कोशिश कीजिए। ये नहीं कि जैसे एफ डी,
इफ डी अभी तक इसमें आया है क्या? नहीं ना आया है, तो इस वाक्य को अभी आप इग्नोर कीजिए, इस वाक्य को अभी आप इग्नोर कीजिए। आगे देखिए, यहाँ पर ए या ई आ चुका है, तो चलिए देखते हैं। कहता है कि डी जो है ए या ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी जो है यहाँ नहीं आ सकता है, डी यहाँ नहीं आ सकता है, डी यहाँ नहीं आ सकता है, तो आ कहाँ सकता है? या तो यहाँ आएगा या तो फिर यहाँ आएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर डी नहीं आ सकता है, यहाँ पर नहीं आ सकता है, यहाँ पर डी नहीं आ सकता है, तो आएगा कहाँ? या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर इसलिए दो डायग्राम लिया है। अब आगे मेरी बात को समझिएगा। अब आगे क्या बोल रहा है? H और C एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, यानी H के बगल में C आना चाहिए। तो H के बगल में, यानी H के इधर तो खाली है नहीं, तो यहीं ना बैठेगा। निकटतम पड़ोसी C है, ये निकटतम पड़ोसी C है, निकटतम पड़ोसी C है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे, ठीक। तो C का जगह बैठ गया। F की पत्नी B का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी ये जो कह रहा है F पत्नी, F की पत्नी B का, F अपनी पत्नी B का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी F का पत्नी जो है B है और निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो निकटतम कहने का मतलब क्या? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि D को बैठा चुका हूँ, चलिए, और इसको अब थोड़ा सा साफ सुथरा दिख रहा होगा, है ना। एफ अपनी पत्नी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एफ और बी एक साथ नहीं आ सकता है, एफ और बी एक साथ नहीं आ सकता है। लेकिन हाँ, एफ एफ और डी का रिलेशन वाला वाक्य हमें आया। इस वाक्य को अभी इग्नोर कीजिए, अब इस वाक्य को पकड़िए। एफ डी के दाएं और दूसरे स्थान पर है, डी के दायां, दायां अगर कहा जाए, अगर मुंडी इसका अंदर है तो दायां इधर जा रहा है, इसका मतलब इधर जा रहा है, इधर। तो क्या कहा है? एफ जो है यहाँ पर, एफ जो है डी के दाएं और दूसरा है, तो डी के दाएं और दूसरा इधर, तो डी के अगर दाएं और दूसरा देखा जाए, इधर जाने का मतलब इधर देखा जाए, तो पहला दूसरा पर जब कोई ना कोई बैठा है, तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन यहाँ से खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए, डी के दाएं और दूसरा है एफ, कौन है? एफ। और अब ध्यान से देखिए, ये वाला तो कंडीशन अब इसको आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये कंडीशन आपका अप्लाई नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ये, इसीलिए मैंने यहाँ पर दो डायग्राम बनाया है और आपको भी लेकर चलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जल्दी आंसर दे देगा। तो अब देखिए क्या है, अब आगे जो कह रहा है, एक वाक्य यही वाला छूटा हुआ है, एफ अपनी पत्नी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी एफ के बगल में बी नहीं बैठ सकता है, एफ के बगल में बी नहीं बैठ सकता है, तो एक ही जगह खाली है, तो बी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो अब एक ही जगह यहाँ पर बचा हुआ है, एक ही जगह। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ पर कौन बैठेगा? जो इसमें नहीं आया है ए बी सी डी एफ जी से लेकर, जो यहाँ पर नहीं आया है, तो वो चीज़ यहाँ पर बैठ जाएगा। तो इनमें देखा जाए तो जी अभी तक नहीं आया, जी यहाँ पर बैठ गया। और इसने कहा था कि कोई भी दो पुरुष या दो महिला एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, इसका मतलब ये महिला है तो ये पुरुष होगा, ये पुरुष है तो ये महिला होगा, ये पुरुष होगा, ये महिला होगा, ये पुरुष होगा और ये महिला होगा, है ना। तो ये इससे तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन अगर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछता तो कहीं ना कहीं काम आता है ना, ये प्लस माइनस वाली काम आता। तो अब कह रहा है बी के बामवर्त दिशा में गिने जाने पर बी और एफ के मध्य में कितने हैं? बामवर्त दिशा क्या? चलिए, इस डायग्राम का तो काम है नहीं, इसको हटाते हैं। चलिए, इस वाले का काम है। बामवर्त कहा जाए तो कुछ दोस्त कहेंगे कि अगर मुंडी इधर इस सबका अंदर है तो बायां इधर होगा, बायां इधर होगा, और यहां से गिनेगा बी और एफ के बीच में, एक दो तीन चार, और चार मिल मार्कर निकलिएगा और आंसर आपका गलत हो जाएगा, सिंपल सा गलत हो जाएगा। क्यों? इस बात को समझिएगा थोड़ा सा।
बी के बामवर्त दिशा में, यानी डायरेक्शन की बात कर रही है, ये नहीं कि बी के बाएं नहीं बोल रहा है, बी से बामवर्त दिशा में, बी के बाएं नहीं, मेरी बात को गौर से समझिएगा, बी से बामवर्त दिशा में, यानी बायां दिशा कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से समझिएगा, एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज ये सब तो जानते ही होंगे कि क्या होता है एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज कहा जाए तो घड़ी की नॉर्मली डायरेक्शन क्या होती है, जैसे आप एक घड़ी देखते हो 12, 6, 3, 9 इस तरह से, तो अगर आपकी घड़ी की सुई अगर 12 पर है तो वो कहीं ना कहीं ऐसे 1 पर आएगा फिर 2 पर आएगा, तो ये दिशा ये है, तो ये क्लॉक वाइज दिशा हुई, ये क्या हुई क्लॉक वाइज, तो यहाँ बामवर्त दिशा कहने का मतलब कि एंटी क्लॉक वाइज घूमना है, क्या करना है ऐसे ना घूमकर ऐसे आपको घूमना है, ऐसे आपको घूमना है यानी इधर लेना है, इधर जाना है, तो बी से इधर एफ तक में, बी से इधर एफ तक में कई गो व्यक्ति, 1-2 गो व्यक्ति, जी और डी, और ये इसका 2 राइट आंसर होगा ना कि 4, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, अगर जो भी 4 अभी भी कह रहे हैं तो गलत है दोस्त, समझ लीजिएगा इसका राइट आंसर 2 होगा, अगर यहाँ पर एग्जाम में आपके पास एक ऑप्शन होगा इंग्लिश करने का, ठीक है, इंग्लिश करने का ऑप्शन होगा, अगर ना समझ में आए इस तरह के क्वेश्चन में तो आप थोड़ा सा एक बार इंग्लिश कर लीजिएगा, वहां पर आपको एंटी क्लॉक वाइज साफ साफ लिखा हुआ नजर आएगा, फिर वहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीज होता है। नेक्स्ट, तो ये टोटल मैंने क्वेश्चन जो भी था उसको मैंने कंप्लीट कराया, ये सीरीज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपना कीमती कमेंट फीडबैक जो है कमेंट में जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट से हमें थोड़ी सी खुशी मिलती है, अगर आप जो भी कमेंट कीजिए आपको अगर बुरा लगा तो हमको उससे कोई मतलब कि कोई शिकायत नहीं है, अगर बुरा है तो बुरा है, अगर अच्छा है तो अच्छा है कि नहीं, तो अपना जो है जो भी राय है या जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अगर अगर कहने का मतलब कि अगर जहाँ कहीं भी गलती हुई होगी तो आप बता सकते हो कि हाँ गलती हुआ है, क्योंकि देखिए गलतियाँ हो सकती है, मैं भी एक इंसान हूँ और गलतियाँ तो इंसान से ही होती है, कोई भी व्यक्ति हो चाहे कितनों बड़े टीचर 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, गलतियाँ उनसे कहीं ना कहीं हो सकती है, मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी भी आप टीचर को ले लीजिए उसको बोल दीजिएगा कि मतलब कि आप एग्ज़ाम में जाकर बैठिए और आप 100 में से 100 क्वेश्चन कर दीजिएगा, नहीं कर सकता है दोस्त, वो कितना भले ही पढ़ा रहा है भले ही सभी टाइप के क्वेश्चंस को करा रहे लेकिन एग्जाम में नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती है, तो गलतियां हमसे भी हो सकती है, गलतियां किसी से भी हो सकती है, तो अगर गलतियां है तो बताइएगा, और अगर मेरी बड़ी गलतियां हैं तो दोस्त सॉरी उसके लिए माफ़ कर सकते हो आप लोग, तो देखिए अगर आप में से किसी को भी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर अभी तक मैंने 60 वीडियो का जो है PDF दे दिया हूँ, बाकी बात बचा हुआ 10 वीडियो का जो PDF होगा एक साथ मैं दे दूंगा, तो वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका विद सॉल्यूशन के साथ PDF प्राप्त कर सकते हो, तो और क्या बोलूँ आगे, आपकी कहने का मतलब कि अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा जिससे कि हमारी हौसला बढ़ती है, आपकी लाइक कमेंट सब्सक्राइब देखकर कहीं ना कहीं हमारी हौसला बढ़ती है और लगता है कि हाँ और हमें कहने का मतलब कि और भी वीडियो बनानी चाहिए ताकि आप सभी का मदद हो सके, और आपका अगर मदद हो तो हमारी मदद करने के लिए आप इन सब बटन में का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में दिख रहा होगा, अगर सिस्टम से देख रहे होंगे तो सिस्टम पर ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी है ना, तो थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दीजिएगा, अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी दोस्तों को जोड़ने के लिए दोस्त जो भी आपके स्टडी ग्रुप हो या किसी भाई बंधु जो भी है जो इस कंपटीशन की दुनिया में अभी भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं तो उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, जैसे कि आपके एक प्रयास से हमारी थोड़ी सी जो उसको क्या बोलते हैं फैन फॉलोइंग बढ़ सकता है कि नहीं,
सिंपल सा दोस्त है, इतना कुछ आप लोग कर सकते हो, ये आपके हाथों में है। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।